हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। What? अरे बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से पुलिस स्टेशन में हो। तुम चलते रहो। आपका नाम नहीं पता, आप कौन से गांव से हैं? अच्छा, आप उस ग्राउंड में भी नहीं आती आजकल। आपको देखने से लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। सुनिए, आपसे मिलने के लिए मैंने आपको कहां कहां ढूंढा पता है? ए, गाड़ी हटा वहां से। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ए, साइड पे ले। ए मिस्टर, मैं उनसे बात कर रहा हूं ना। देखिए, मुझे आजकल नींद नहीं आती। ए स्टूपिड, गाड़ी हटा। आप मेरी आंखों में बसी हैं, हमेशा आपकी ही याद आती है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी हटा नहीं तो अंदर कर दूंगी। इडियट। ए, वो तुझे थप्पड़ मार के गई और तू प्यार कर रहा है? वो लड़की नहीं पटेगी, छोड़ दे उसे। क्यों मारा? अब बता, इस थप्पड़ के लिए तू मुझे छोड़ देगा? प्यार के लिए एक थप्पड़ ही नहीं, 100 थप्पड़ खा सकता हूँ। 100? प्यार तू कर रहा है, मैं क्यों खाऊं? प्यार हो गया मतलब इसकी कहानी खत्म। मुझे बुलाया? हाँ, तुझे ही। सर, लग रहा है एड्रेस पूछ रही है। चलो पास चल के देखते हैं। चलो ना सर, खड़े क्या है, चलो। आप अपना काम करो मिस्त्री, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। सर, मैं भी आपके साथ आता हूँ। रोड में आती जाती लड़कियों को ऐसे देखते हो क्या? उम्र का फर्क है कि नहीं? तेरी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है? लड़कियां इतनी चीप हो गई हैं क्या? बस मैडम, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो फिर क्यों रोड पे खड़ी होकर कमर हिला हिला के पूछ रही थी आप? बातें करते समय आप हाथ क्यों उठा रही हैं? ऐसे पेश आ रही है जैसे साइड पे कुछ गलत हो रहा है। देख लिया ना सर। सॉरी मैडम, इनके साथ आप जैसा भी पेश आइए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये क्या हो गया इनको? तू ही मिस्त्री है क्या? ए मनियारी, जल्दी इधर आ, इधर आ जल्दी। आ रही हूं। ये मनियारी कौन है? मेरी बीवी है। अब तुझे बीवी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ जी? मेरी बीवी। ये मेरे पति हैं जी, जरा ज्यादा बोलते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए, कल कहीं जाकर मार खा कर आए हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। माफ कर दीजिए इसे। सिगरेट ले जाओ। कितनी बार बोला गाड़ी में आते समय तू मुझे ही देख रहा था ना? एक्चुअली आपका चेहरा मैंने नहीं देखा। क्या? वो आपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था ना, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। हेलो विजय, आप सब निकल जाओ, मुझे कुछ पर्सनल काम है। गाड़ी पे बैठ, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। तुझे ही बोल रही हूँ, बैठ। सुनो भाई, इसे ऑफिस में रख दो। चल भैया। चलिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी इज्जत चली गई, और आज रोड पे जाती हुई लड़की को ऐसे घूर रहा है, यही तेरी इज्जत है? जब देखो बड़बड़ करता रहता है। अभी जवाब दे, बोल। सो, उस दिन की हरकत और आज की हरकत में कोई संबंध नहीं है। ओ, तुमने जो हरकत की वो गलत नहीं है और हम करें तो वो गलत है? ये कैसा न्याय मैडम? ठीक है, किसी ट्रस्ट का नाम बोल रहे थे ना, वो कहाँ? पल्लावरम में। ठीक है, वहीं चलते हैं। अरे वहाँ पर मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसे बिगाड़ मत देना प्लीज। ए, चुपचाप चल। ठीक है। खाना खाया तूने? क्या खाया तूने? दाल चावल और रोटी। ये है मेरी फैमिली, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। ये कौन है भैया? ये ना आपकी वाली है क्या? बहुत मस्त दिख रही है। मस्ती खोर, जा जाके खेल। जाओ जाओ जाओ। क्यों भाई, जो पढ़ रहे हो याद तो है ना? हाँ याद है। क्यों कार्तिक, कौन है ये?
यहाँ का कामकाज ये संभालते हैं। बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना सब यही संभालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जब तक मैं और सर हैं तब तक, उसके बाद तो सब छोटे का ही है। ठीक है, आप अभी पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। कहाँ की रहने वाली? चेन्नई। काम क्या करती है और किस सिलसिले में सर से मिलने आई हो? पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टीम। चलो। पुलिस वाली। आजा बेटा, आजा 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 मेरे पास। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, आपसे यही है तुम्हारे मम्मी पापा, रोते नहीं बेटा। मैं अपनी पूरी जायदाद बच्चे को। हाँ ठीक है ठीक है, रख लो। जायदाद बड़ी बात नहीं है, लड़के को पालना ही बड़ी बात है। हम अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे, अब से ये हमारा बेटा है। सुभाष रोते नहीं बेटा। सुभाष आजा आजा आजा। ओए हो हो हो, क्यों रो रहा है बेटा? मम्मी मम्मी पूछ रहा था ना, ये ले मम्मी आ गई। जाओ जाओ। आज से सुभाष तुम्हारा बेटा है जी, चलता। मेरी याद इसको नहीं आनी चाहिए। रोते नहीं बेटा। शर्वन जी, हमारे रिश्तेदारों में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें माँ बाप पुकारने वाला यही बच्चा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झुक झुक जियो, चलता हूँ। ओ रोते नहीं बेटा, अब हम घर चलेंगे, अपने घर चलेंगे बेटा, अपने घर चलेंगे बेटा, रोते नहीं है ना बेटा, ना ना ना। लड़का ज्यादा ही रो रहा है। रोने दो, इसके रोने से उसका पूरा कष्ट चला जाएगा, यही मैं चाहता हूँ कार्तिक। कार्तिक ये कौन? ये सर संगीता, मेरा नाम संगीता माथुर है। कार्तिक ने कहा आप ही सब कुछ हो इसके, तो ये क्यों आई? सर ये मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी करने आई है। हाँ सर, मैं कार्तिक से। कार्तिक से क्या? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? हेलो, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या ये सब? एक्चुअली सर ये पुलिस वाली है। पुलिस है तो क्या हुआ, वो भी एक प्रोफेशन है ना। कार्तिक तू इसे दिल से प्यार करता है ना, सच बोल। तुझे पसंद है तो कॉन्फिडेंस से बोल। दिल से करता हूँ सर। तो फिर क्या है, शादी कर लो। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है। उठो। कार्तिक को मैंने बचपन से पाला है, जब ये इतना सा था तब से मैंने इसको अपने पास रखकर इसकी अच्छी से देखभाल की है। दोनों अच्छे से जीवन गुजारो, यही मेरी इच्छा है। ये बताओ तुम्हारा ट्रस्ट अनाथ आश्रम है ना? नहीं, अनाथ आश्रम नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों के लिए एक मदद है। हमारा ट्रस्ट एक मंदिर के समान है। तुमने देखा होगा चाय की दुकान में, बार में, होटल्स में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अब वो बचपन में काम करते हैं बेचारे, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। उन सब बच्चों को बुलाकर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको वापस से पढ़ाते हैं, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ना रुक जाए। हमारे सर श्रवण जी बच्चों के लिए भगवान ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी भगवान है। इस तरह सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके आज वो अपनी हिम्मत पर अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रवण सर हैं। ट्रस्ट में पले बड़े हो तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ड्राइवर जी। मैडम जरा गाड़ी साइड में लगाना। जी मैडम। जरा वो दुकान से न्यूज़पेपर लेकर आऊं। लाता हूं मैडम, लेकिन वो बहुत दूर है मैडम। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। अच्छा एक मिड डे भी ले लेना। बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो, सॉरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा का लव मैरिज हुआ था, लेकिन ये उन दोनों के परिवार के खिलाफ था। मैंने बचपन से दादा दादी को नहीं देखा, मेरे बड़े होते ही सब एक साथ रहेंगे ऐसा पापा ने कहा था, लेकिन मेरे बड़े होने के बाद मम्मी पापा भी नहीं रहे। क्या हुआ था उन्हें? ठीक है, कुछ मत बोलो, प्लीज रिलैक्स। मेरे पापा एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थे, उस कंपनी में काम करने वाले बॉस के रिश्तेदार कुछ गैरकानूनी काम कर रहे थे, तो पापा उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने पापा को धमकी दी, लेकिन पापा नहीं माने और एक दिन सब लोगों ने एक साथ मिलकर पापा को मार डाला। माँ बीच में आ गई तो माँ को भी मार डाला। तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे पूछे भी नहीं फैसला करेगा, या फिर तू मुझे बेवकूफ समझता है?
अब बोलता क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैंने सोचा कि पुरानी कार देकर नई कार ले लूं, बस आपसे यही पूछने आया था। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना, बैठिए। क्यों बेटी, और कोई नहीं आया इनके साथ? इसके पहले तो कभी इनको मैंने यहाँ पर नहीं देखा। ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अब ये प्यार वार की बात करने लगे, इतनी बड़ी बात। आपने छाछ मांगी थी ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। यस यस। ए, इतने दिनों से हमने जो लड़के सजेस्ट किए वो मना कर दिए। कुछ भी हो, 3 महीने के बाद उसकी शादी, 1 साल बाद तेरी शादी, फिर मेरी भी हो जाएगी। ए, ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा मत बोल यार, मैं तेरे भरोसे हूँ। पापा ये सब मत बोलो, मेरे सिवाय इसका कोई नहीं है, हम दोनों की शादी करा दीजिए। लीजिए प्लीज। सुनिए जी, बड़े वाले की उम्र 33 साल की हो गई है, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक आप उसकी शादी नहीं करवाओगे, और वो रोड पे आते जाते लड़कियों को देखता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए, मम्मी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो पापा भी दे देंगे, चल मंडप बुक कर देते हैं। ये कह रही है ना कि इसे वो लड़का पसंद है, तो आप इसकी शादी करा दीजिए। हाँ कर दूं ना, इसके घर बार का पता है ना, रिश्तेदारों का, कल को अगर कुछ अच्छा बुरा हो गया तो कौन आएगा, मैं ऐसे हाँ नहीं कर सकता। ये इसकी शादी नहीं होने देंगे, और इसकी नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। उधर जाकर बात कर, बस आखिरी साल है, मैं और वेट नहीं कर सकता, ये तेरे लिए शर्म की बात है, इज्जत से इसी लड़के से शादी करा दो। ठीक है, देखता हूँ। पापा मेरी बात मान जाइए, प्लीज हमारी शादी करा दीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, समाज में मेरी इज्जत है, जान पहचान वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे नहीं। जरा अपने बड़े भाई को देख, क्या इसने आज तक कभी मेरी बात टाली है? ए बेटा, अब तू ही इसे समझा, और छोटे तू भी कुछ बोल। बोलो ना। मैं क्या बोलूं? चुपचाप क्यों खड़ा है? संगीता, पापा जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? तू क्यों नहीं बोलता? छोटी बच्ची है, मान जाएगी, पापा की बात मान लो छोटी। देखने में लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, मुंह खोले तो समझ में आए। जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। लगता है मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी आंखों के सामने ही। क्या करूं? ये क्या किया? तुम्हारे पापा से बात करके तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये टेक्निक अपनाई। मेरी बात सुनो बेटा, जल्दी से पंडित को बुला लाओ, अच्छा मुहूर्त देख के इनकी शादी करवा देते हैं। तो अपने रिश्तेदार लोग क्या करें, अब इन्हें और नहीं रोक सकते। पर पापा आपकी इज्जत। ए, मेरी इज्जत इनकी शादी करवाने से ही बचेगी, तू फोन करके पंडित को बुला, जा। ठीक है, चल चल। क्यों जी, आप अंदर ऐसा क्या देख कर आए जिसके लिए आपने हाँ कर दी? वो क्या है कि हाँ? दामाद जी ने मेरी ही टेक्निक फॉलो की है। शर्मा गई। रा 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 री री रा। हाँ, हाँ। हेलो कार्तिक, बोलो कैसे फोन किया? सर को क्या हुआ, उनका फोन नहीं लग रहा है। अरे सर तो अभी बाहर गए हैं। हाँ लेकिन फोन तो लगना चाहिए ना, सब ठीक तो है ना? ठीक है, क्या है ना, 2 दिन से वो रेस्ट नहीं लिए थे, इसलिए फोन चार्जर पर लगाया और सो रहे हैं। हाँ मगर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, कोई खास बात है क्या? नहीं पता नहीं कार्तिक, कुछ बोले नहीं, उनके उठते ही मैं उनको बोलता हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। फिर वो सदाशिव की कार? मैडम वो कार ट्रेस करते समय अम्बतूर के पास सीसीटीवी कैमरे से क्रॉस हुआ है, पर चेन्नई क्रॉस नहीं किया। आई थिंक हम लोगों को सदाशिव की फैमिली से क्लोज कॉन्टेक्ट करना